नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चंदन के बारे में बात करेंगे। चंदन दो तरह के होते हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। लेकिन उसमें सफ़ेद चंदन की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम आज के वीडियो में सफ़ेद चंदन के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास तीन टिप्स हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ चंदन के पौधे के बारे में। आप चंदन का पौधा ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर 6 से 8 घंटे की दिन में धूप आती हो, और आपको उस चंदन के पौधे को एक ही बार पानी देना है। सुबह दीजिए या शाम को दीजिए, लेकिन एक ही बार देना है। टिप नंबर दो है, चंदन का पौधा कभी भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको सर्वाइव करने के लिए साथ में कोई ना कोई पार्टनर पौधा चाहिए। तो आप उसके बाजू में या तो तुलसी का पौधा लगा दीजिए, या पोर्चुलखा, जिसको कुछ लोग 9 o'clock भी कहते हैं, वो वाला पौधा आप उसके बाजू में लगा दीजिए। क्योंकि चंदन का पौधा सीधा मिट्टी से न्यूट्रिशन नहीं खींच सकता, इसलिए। अगर आपका चंदन का पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे तो फिर आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट देने के लिए आप या तो प्लास्टिक की स्टिक या कोई भी मेटल का रॉड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप जेंटली से बांध दीजिए और उसके सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में जो ये पौधा है, इसको मैंने ऐसे सपोर्ट दिया है, ये तकरीबन यहाँ तक था और आज देखिए कितना बड़ा हो गया। दोस्तों, मेरे पास एक बोनस टिप है आपको बताने के लिए। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको आपके पौधे की कैसे देखभाल करनी है, लेकिन मैं आपको एक बार ये भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, जो गलती मैंने की थी। मेरे एक और पौधा है मेरे पास सफ़ेद चंदन का, मैंने उसको प्लास्टिक के पॉट में लगा दिया है। गर्मियों में प्लास्टिक का पॉट गर्म हो जाता है, तो उस वजह से ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। देखिए, ऊपर से सूखने लगा है, उसके पत्ते भी झड़ने लगे हैं, जबकि वो वाला पौधा छोटा था, लेकिन फिर भी वो इससे अच्छा ग्रो करने लगा और उसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है।